नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। एक और नवीनतम अपडेट आपके लिए लेके आया BSTC 2024 के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि काउंसलिंग प्रक्रिया होने के बाद में यहाँ पे अभी कॉलेज अलॉटमेंट की सेकंड जो चरण है उसकी प्रक्रिया चल रही है, और सेकंड चरण की प्रक्रिया 2 सितंबर को कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में दोस्तों अपवर्ड की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद में दोस्तों सेकंड थर्ड लिस्ट यहाँ पे जारी की जाएगी। जैसा कि दोस्तों विभागीय समय सारणी या VMOU की जो समय सारणी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि उन्होंने कौन कौन से शेड्यूल निर्धारित किए, रिफंड आवेदन कब से होंगे, थर्ड लिस्ट कब आएगी, कट ऑफ क्या रहेगी। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो बैंक डिटेल है किस प्रकार आप वहाँ पे जोड़ सकते हो रिफंड के लिए। दोस्तों तो जिन कैंडिडेटों को कॉलेज मिल गई उनके लिए दोस्तों बेहतरीन है, और यदि जिनको कॉलेज नहीं मिली है तो वो अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया के जो दोस्तों यहाँ पे ₹3,000 डिपोजिट होते हैं वो वापस यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं वो कंप्लीट हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे जिससे कि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों BSTC 2024 के बारे में। इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाले जो भी अगली वीडियो होंगे सभी के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे, और आप लगातार नवीनतम सूचनाओं से यहाँ पे अपडेटेड रह सकते हो। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपकी तैयारी से संबंधित जो भी PDF नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। लगातार दोस्तों आपकी तैयारी से संबंधित जो भी नोट्स PDF और टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाते हैं, जहाँ से जाके आप इनको ज्वाइन करके सर्वोत्तम अकेडमी से जुड़ के नोट्स और PDF प्राप्त कर सकते हो। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना ना भूले। दोस्तों BSTC 2024 के बारे में बात करें, pre-DLED 2024 के बारे में रिफंड आवेदन कब से होंगे, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट करने वाली बात है कि रिफंड दोस्तों आपको ₹3,000 जो काउंसलिंग प्रक्रिया के जमा करवाए गए थे आपसे, और जिन कैंडिडेट को कॉलेज मिल गया है दोस्तों उनको रिफंड नहीं होगा। लेकिन जिन कैंडिडेटों को यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, अभी दोस्तों द्वितीय चरण का यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है और यहाँ पे कॉलेज की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों विभाग ने जो समय सारणी जारी की है उसमें कहा गया कि थर्ड लिस्ट भी आएगी, तो थर्ड लिस्ट कब आएगी, रिफंड आवेदन कब से होंगे, रिफंड के लिए बैंक डिटेल किस प्रकार आप जोड़ सकते हो यहाँ पे हम देखेंगे। तो ऑफिस ऑफ द कोऑर्डिनेटर यहाँ पे pre-DLED एग्जाम 2024 के बारे में, तो कोऑर्डिनेटर किसे बना रखा है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा को बना रखता है। pre-DLED 2024 की संभावित जो समय सारणी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक आपको पता है द्वितीय चरण की जो अलॉटमेंट है वो सूची जारी हो चुकी थी। 2 सितंबर उसकी फीस डिपॉजिट, 2 सितंबर को फीस डिपॉजिट की लास्ट डेट थी। 2 सितंबर 2024 जो फीस डिपॉजिट की 13,555 की जो फीस डिपॉजिट की लास्ट डेट थी। और यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों तृतीय चरण, तो तृतीय चरण की जो लिस्ट है उस पे 16 सितंबर 2024 सोमवार को यहाँ पे जारी हो सकती है। दोस्तों 16 सितंबर 2024 सोमवार को जारी होगी, उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों अलॉटमेंट के यहाँ पे चयनित जो अभ्यर्थी हैं 13,555 की शुल्क 17 सितंबर से लेकर यहाँ पे 24 सितंबर तक यहाँ पे जमा व्यवस्था शुल्क यहाँ पे जमा कर सकते हैं दोस्तों। और आगे का चरण वही रहने वाला है, आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ विद फीस रिसिप्ट के साथ, और वहां से अपना जो प्रोविजनल परमिट स्लिप वहाँ से प्राप्त कर लेनी है। आप देखते हैं दोस्तों कि आप यहाँ से जो है कंप्लीट क्या कर सकते हो दोस्तों, और रिफंड के लिए आवेदन किस प्रकार कर सकते हो दोस्तों। यदि आपका फर्स्ट चरण में नहीं आया, सेकंड चरण में भी दोस्तों आपका कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ, और थर्ड चरण यदि दोस्तों आता है जैसा कि विभागीय जो सूची है उसके अकॉर्डिंग यदि आपका थर्ड लिस्ट में नंबर आ जाता है तो दोस्तों बेहतरीन एक अवसर आपको BSTC करने का मिल जाता है। लेकिन जिन कैंडिडेटों को आपका दोस्तों थर्ड लिस्ट में भी नंबर नहीं आ पाता है दोस्तों, वो कैंडिडेट यहाँ पे अपने जो ₹3,000 काउंसलिंग के थे वो रिफंड के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हो दोस्तों। आवेदन कब से होंगे रिफंड के लिए, तो आप देख सकते हो प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी को यहाँ पे रिफंड दोस्तों, प्रवेश प्रक्रिया यदि पूर्ण हो जाती है टोटल 26,000 के लगभग यहाँ पे दोस्तों सीटें हैं वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे रिफंड प्रक्रिया आवेदन यहाँ पे पोर्टल में आवेदन किया जाता है। तो पोर्टल में आवेदन कब से कर वो होने वाला है यहाँ पे देख सकते हो 28 सितंबर 2024 से यहाँ पे स्टार्ट होंगे आवेदन, और यहाँ पे 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार तक है दोस्तों आप यहाँ कर सकते, क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो दोस्तों। अभ्यर्थी को शुल्क रिफंड करना है यहाँ पे अंतिम तिथि मतलब 15 अक्टूबर है, तब तक यहाँ पे दोस्तों क्या कर सकते हो, रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हो, और उसके 45 दिवस के अंदर 45 कार्य दिवस दोस्तों जो भी विभागीय कार्य दिवस होंगे 45 दिन के अंदर अंदर आपके बैंक खाते में दोस्तों आपकी जो सूचना है वो डिटेल यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। आप पहले बात करते हैं कि बैंक में जो सूचनाएं दी, जो बैंक डिटेल की जो सूचनाएं क्या रहेगी, एक पहले पहला इम्पोर्टेंट है कि कैंडिडेट की स्वयं की दोस्तों, कैंडिडेट की स्वयं की बैंक डिटेल होनी चाहिए, या उसकी माता की या दोस्तों पिता की, इन तीनों में से किसी का भी बैंक डिटेल होना चाहिए। और बैंक दोस्तों यहाँ पे बैंक की KYC यहाँ पे दोस्तों अपडेट होनी चाहिए,
केवाईसी बैंक की क्या होनी चाहिए, बैंक की केवाईसी अपडेट होना चाहिए, और बैंक का अकाउंट दोस्तों यहाँ पे खाता क्या रहना चाहिए, खाता यहाँ पे चालू रहना चाहिए, तभी आपको दोस्तों आपको पता चल पाएगा कि अकाउंट में रुपए आए हैं या नहीं आए हैं। तो कैंडिडेट स्वयं की बैंक की डिटेल दे, या अपने माता की या अपने पिता की, इन तीनों में से किसी की बैंक डिटेल दे सकता है। बैंक में दोस्तों बैंक का आपका अकाउंट केवाईसी होना अनिवार्य है। केवाईसी यदि दोस्तों नहीं है तो केवाईसी जल्दी से करवा लें अकाउंट में, नहीं आपके पैसे नहीं आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों बैंक अकाउंट का खाता आपका चालू रहना चाहिए, मतलब ट्रांजेक्शन या लेन देन होने चाहिए, क्योंकि बंद खाते में दोस्तों आपको पता है पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, तो किसी स्थिति में नहीं हो पाते वो दोस्तों। उस स्थिति में अब कैंडिडेट स्वयं उसका जिम्मेदार रहता है कि आवेदन रिफंड नहीं हो पाया दोस्तों। तो विभाग की ये सूचना थी, रिफंड के लिए आवेदन 28 सितंबर 2024 से होने वाले और 15 अक्टूबर 2024 तक चलने वाले, अंतिम तिथि से 45 दिन जो रहेंगे कार्य दिवस, उसमें आपको रिफंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा दोस्तों। समन्वयक जो प्री डीएल एग्जामिनेशन 2024 जो कोऑर्डिनेटर बीएमओयू को बना रखा है, उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली जो भी अगली वीडियो में सभी के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे, और आप लगातार नवीनतम सूचनाओं से यहाँ पे अपडेटेड रह सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।